हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे से होंगे। सो अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ पूरे दो दिन बाद बेबी शावर के, मतलब सेलिब्रेशन के बाद, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ वीडियो वगैरह शूट नहीं किया उस दिन सेम रात को ही पूरा। क्या होता है ना, हेल्प सबकी होती है, लेकिन फिर उसके बाद जो घर का मतलब फैला रहा होता है पूरा किचन विचन, दीदी मैंने और सौरभ ने मिलके हम तीनों ने रात को पूरा देर रात तक सब क्लीन किया, फिर उसके बाद आराम से बैठे और फिर इतनी ज़्यादा थकान वगैरह हो गई और फिर नेक्स्ट डे भी कुछ शूट करने का मन नहीं किया। मैंने कहा आराम से शूट करूँगी। तो अभी दीदी और मैं ना बेबी शावर के गिफ्ट्स वगैरह देख रहे थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाती हूँ, क्योंकि आप लोग भी तो मेरी फैमिली का हिस्सा हो और फिर पूछते भी है ना सब लोग। तो पहले तो मैं मतलब ऐसा होता था कि बहुत बार नहीं भी दिखाती थी चीज़ें, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ लोगों को शो ऑफ भी लगता है, लेकिन जब सब लोग देखते हैं और सब लोग बोलते हैं कि नहीं आप दिखाया करो, हमें देखना है, तो मुझे लगा कि चलो अभी मैं खोल के बैठी तो आप लोगों को दिखा देती हूँ। बाकी बेबी शावर बहुत अच्छे से हुआ, सब जो प्लानिंग थी उसके अकॉर्डिंग जितनी भी चीज़ें थी सब एकदम परफेक्ट गई। फिर मेरा मन था कि मतलब दीदी आए बेबी शावर पे और दीदी आई, क्योंकि क्या होता है ना कि ओकेशंस पे अगर फैमिली वाले इकट्ठे हों तो अच्छा, फ्रेंड्स तो यहाँ पे हैं ही हैं तो वो तो ऑलवेज स्पेशल फील कराते हैं, लेकिन फैमिली के भी लोग हों तो अच्छा लगता है ना। बस जिया जी नहीं आ पाए, वो सबसे बड़ा मतलब दुख लग रहा था, लेकिन यह है कि बच्चों ने दीदी ने मिलके मतलब अच्छा हो गया, डेकोरेशन वगैरह किया। फिर उसके बाद तृप्ति दीदी, संतोष भाभी, इन्होंने मतलब जो मेरा दिमाग का हल्का किया ना सब पूरा टेंशन और ये सब, क्योंकि पूरा उन्होंने बेबी शावर संभाल लिया था हर चीज़ हर तरीके से। तो बाकी ये है कि सब लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, सब लोगों ने आके इंजॉय किया और बहुत बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने तो मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। बाकी मेरे जो फ्रेंड्स आए सब लोगों ने मिलके स्पेशल फील कराया। तो अब सब लोगों के गिफ्ट्स मैं दिखाती हूँ। तो गिफ्ट तो क्या है कि सब बेसिकली मतलब मेटलिस्टिक चीज़ हैं, लेकिन ब्लेसिंग्स और प्रेजेंस वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है सबकी। तो ये है और सबके गिफ्ट्स बहुत अच्छे हैं, वन बाय वन करके दिखाती हूँ मैं। तो सबसे पहले तो मैं दिखाऊंगी, ये देखो संतोष भाभी, उन्होंने मतलब संतोष भाभी और तृप्ति दीदी, उन्होंने ये मिलके मतलब ऐसे गोद भराई में पैक किया था। इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं और ये संतोष भाभी के बाग का मतलब वो है बेसिकली, ये नारियल है। तो भैया मुझे मतलब अपनी बहन मानते हैं एक तरीके से, तो उन्होंने स्पेशली मेरे लिए मतलब ये नारियल उस दिन निकाला और नारियल बोल रही थी कि बहुत अच्छा निकला। मैंने ओपन भी नहीं किया, तो जब ओपन करूँगी मतलब इसको निकालूंगी तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं शेयर करूँगी। तो उनका ऐसे पूरा किचन गार्डन है, तो वहाँ पर उनके जो नारियल है ना वो बहुत ज़्यादा स्वीट है, तो पूरा उन्होंने ऐसे ड्राई फ्रूट भर के और गोद में रखा। फिर उन्होंने मतलब पैसे दिए थे मतलब ऐसे तृप्ति दीदी, और उन्होंने लिफाफा दिया था मुझे और अच्छे खासे गिफ्ट का लिफाफा है ये दिया। और फिर उसके बाद ये छाया दीदी ने मेरी गोद भरी। हमारे यहाँ पे सबसे पहले मतलब जैसे वहाँ पे अनवित के टाइम पे जो मेरी गोद भरी थी वो तो मतलब मम्मी ने भरी थी, लेकिन यहाँ पे फिर दीदी आई थी तो बोला कि मतलब नंद ज़्यादा अच्छा है भरेंगी, तो दीदी ने फिर मुझे ये दिया। इसमें देखो चॉकलेट्स लेके आई थी बेल्जियम से, और ऐसे पूरा बास्केट डेकोरेट करके, और इसके अंदर सब मतलब ऐसे पूरा ड्राई फ्रूट्स हैं तो ऐसे पूरा रख के, और फिर वो मतलब मेरे लिए एक ये गिफ्ट लेके आई हैं सवरोस्की का बेल्जियम से, उन्होंने मुझे पैसे भी दिए हैं मतलब एक अच्छा सा अपने लिए ड्रेस ले लूँ तो बेबी शावर पे। तो ये हैं बाकी वो जो बेल्जियम से बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आई हैं, वो बेल्जियम से बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आई हैं हम लोगों के लिए, तो वो मैं आपको अपकमिंग व्लॉग में शेयर करूँगी वो क्या क्या लेके आई हैं। लेकिन बेबी शावर पे उन्होंने मुझे ये और पैसे दिए, देखो बहुत प्यारे हैं ये। तो ये छाया दीदी ने मुझे दिया है, मतलब मेरी जो सिस्टर लो है उन्होंने, और तो ऐसे ये दिया, और ये दिखाती हूँ, और मम्मी ने फिर गोद भरी थी तो मम्मी ने मतलब ये ड्राई फ्रूट्स दिए और मतलब मुझे वो एक पैसे दिए लिफाफा दिया ये है। और फिर ये मेरी फ्रेंड आई थी गुड्डन,
वो कम्फर्टर लेके आई है, ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा। क्योंकि क्या है ना, बेबी शावर में बहुत लोगों के यहाँ कन्फ्यूज़न होता है कि बेबी का हम सामान दें या ना दें, तो इस करके ना सब लोगों ने मतलब कैश दिया और मतलब बेबी का ये सोच के नहीं दिया कि मतलब पता नहीं होता है ना बहुत लोगों के यहाँ, जैसे हम लोगों ने भी कुछ शॉपिंग नहीं शुरू की है ऐसे, मतलब बेबी का कुछ भी होता है हर किसी के यहाँ अलग अलग होता है, तो जो भी ज़रूरत लगेगा देखेंगे उसके अकॉर्डिंग शुरू करेंगे, पहले से हमारे यहाँ कुछ भी नहीं खरीदते, तो सब लोगों के मन में वही था, तो इसीलिए सोच के सब लोगों ने जैसे जो दिया। और ऐसे मतलब वो जो मेरी फ्रेंड है वो कम्फर्टर लेके आई, ये भी बहुत प्यारा कम्फर्टर है, ये देखो बहुत सुंदर है वाला कम्फर्टर, पूरा एनिमल प्रिंट है, तो ऐसे मतलब इसको ओपन करेंगे वैक्यूम तो ये मतलब ऐसे बड़ा हो जाएगा, ये दिया है। और ये देखो मेरा फेवरेट मनोक, ये सोनिया ने दिया है, ये कुशन कवर्स हैं। मैंने आपको बताया ना बेबी का सामान हर कोई दे नहीं सकता, और उसको पता है कि मुझे घर सजाने का शौक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारे कुशन कवर हैं बोहो में और एम्ब्रॉयडरी वाले हैं, बहुत प्यारे लगे मुझे वाले कुशन कवर। ये देखो पूरा ओपन करके दिखाती हूँ मैं, 16x16 के हैं, देखो बहुत प्यारा इनका मटेरियल है, एम्ब्रॉयडरी भी इन पर बहुत अच्छी है, देखो बहुत अच्छे लगे ऐसे, ये है कंट्रास्ट में और मल्टी कलर्ड है ना, तो मतलब बेड शीट्स के साथ अच्छे लगेंगे, ये दिए हैं। और ये एक और फ्रेंड आई थी महिमा, ये उसने दिया है, मतलब इसमें मैं अपनी ज्वेलरी या बैंगल्स वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ, तो ऐसे ये मतलब उसने दिया है मेरे को, दृष्टि ने प्लांट दिया है, तो बोल रही कि ये नस्ल को बढ़ाता है और बहुत अच्छा बैम्बू प्लांट है, मुझे बैम्बू प्लांट लेने का मन था, उसके यहाँ बैम्बू प्लांट वैसे भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो बहुत समय से मन था, तो उसको लगा कि चलो यही मैं दे देती हूँ नेहा को और उसको अच्छा लगेगा, और वो जब लेके आई ना ऐसे बच्चे की तरह गोद में, तो वो अच्छा लग रहा था प्लांटर में, मैं उसका भी क्लिप ऐड कर दूँ क्योंकि मैं लेके नहीं बैठी, थोड़ा सा हैवी है ना। तो ये है, आई थिंक मैंने आपको चॉकलेट दिखा दिया है दीदी का, तो उन्होंने मतलब मेरे उसमें रख के दिया था बैग में, बाकी जो दो तीन फ्रेंड्स हैं उन्होंने मिलके अमेज़ोन के वाउचर दिए हैं मुझे, तो मतलब मैं आराम से उसमें कार सीट ले सकती हूँ, तो उन्होंने मतलब मुझे इतना अमाउंट दिया है, तो ऐसे हर किसी का मतलब अमाउंट मतलब मैंने आज बता दिया, यूजुअली मैं बताती नहीं हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा पर्सनल होता है, तो सबने बेसिकली अच्छे गिफ्ट दिए हैं और सबका मैं मतलब बेबी का ही कुछ ना कुछ लूँगी, और जब भी लूँगी तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, सब फ्रेंड्स को भी मैंने वही बोला है कि मतलब मैं जब भी बेबी का लूँगी तो आपके तरफ से, और मैं उसको मतलब ये आपको पिक्चर वगैरह भेज दूँगी। तो ये छोटा सा था, तो मुझे लगा कि चलो मैं अब दीदी को दिखाई रही हूँ, शायद दीदी को दिखा रही थी मैं ये सब चीज़ें ना, तो मैंने कहा कि आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, और आप लोगों की ब्लेसिंग से बेसिकली सब चीज़ें बहुत अच्छी हो गई। तो ये है, बाकी ये है कि कैश है तो और ज़्यादा मतलब कुछ गिफ्ट नहीं है, गिफ्ट सब यही हैं और सबके सब बहुत प्यारे हैं, मन को मेरे भाने वाले हैं, सबके सब अच्छे हैं। तो यही था मेरा आज का वीडियो, और आप लोगों ने मेरे लुक्स की भी, मेरे जो लुक था उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है, रियली मतलब वो जो लुक था ना वो मेरे लिए ही मतलब अमेजिंग था, क्योंकि वो फ्लावर वाली ज्वेलरी जो तृप्ति दीदी ने बनाई ना मेरे लिए, उन्होंने बोला कि बेबी शावर का मतलब ही फ्लावर ज्वेलरी होता है, तो यही पहन, और वो स्पेशली मेरे लिए गई बनवाने के लिए, और जैसे ही मैंने वो मांग टीका लगाया ना मुझे लगा इसके सामने ना मेरी गोल्ड और डायमंड सब फेल है, मैं तो मतलब इतना प्यारा लगा वो पहन के, एकदम उसमें अलग लुक आ गया अंदर से, जो मन खुश हुआ ना, तो वो बोली कि इसीलिए ही फ्लावर ज्वेलरी पहनाई जाती है ताकि मदर और बेबी दोनों का मन खुश हो, और मेरे लिए एक्चुअली वही हुआ, वो ज्वेलरी पहन के ना मेरा जो मन है वो खुश हो गया, और वो बोले कि मतलब सब लोग तुम्हारी पिक्चर देख के अलग ही पहचानेंगे कि इट्स योर बेबी शावर, और रियली ऐसे ही हुआ, सब लोगों ने बहुत तारीफ की, एकदम से जो लुक है वो मतलब जो निखर के आया। तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगी, अगर आप लोगों को भी ऐसा कुछ बेबी शावर होने वाला है, और महाराष्ट्रियन जो लोग हैं उन वो तो सब करते ही करते हैं ये, लेकिन जो अदर स्टेट में है ना वो लोग मतलब जरूर पहनना फ्लावर वाली ज्वेलरी, तो उससे एक अलग लुक आता है, बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं, बहुत कुछ होता है इसमें। दीदी ने मेरा पूरा ड्रेस का मैच का बनवाया था, बहुत सुंदर लगा और इतना स्पेशल फील हो रहा था ना उस दिन, आई कांट टेल यू। तो दीदी वही बोल रही थी कि यू शुड फील लाइक कि तुम आज दुल्हन हो, मैंने कहा दो बच्चों की अम्मा दुल्हन कैसे हो सकती है, तो सब यहाँ पे जो छाया दीदी वो बोल रही थी क्यों नहीं हो सकती ऐसे, तो सब लोग ऐसे मतलब वो तो ऐसा था कि उन पल को मैं किसी तरीके से कैद कर लूँ, और ऐसा था।
तो ये है, तो चलिए आप लोग बस ऐसे ही ब्लेसिंग्स बना के रखना। और कैसा लगा आपको मेरा जो गिफ्ट्स हैं ये सब है आप लोग बताइएगा। तो चलिए मैं जो छोटा सा व्लॉग यहीं पर ही फिनिश करूँगी वीडियो, बस आप लोगों को मुझे गिफ्ट्स वगैरह ही दिखाने थे। तो चलिए जल्दी ही मिलेंगे आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक आप रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।